नमस्कार, दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया, जिंदगी हमें बहुत सारे सबक दे जाती है। मनुष्य के भीतर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यकीन मानिए न सिर्फ आपके ज्ञान बुद्धि तथा संपत्ति को समाप्त कर देगी बल्कि आपको गर्त की ओर धकेल देगी। आत्मविश्वास होना जरूरी है मगर अपने वश से बाहर होकर घमंड दिखाना और अभिमान करना खात्मे का निमंत्रण है। हमें अपने मन में कभी भी अहम का भाव नहीं आने देना चाहिए। अक्सर श्रेष्ठता का भाव मन में आते ही लोग कैसे घमंडी हो जाते हैं उसका एहसास उन्हें स्वयं नहीं होता। अहंकारी मनुष्य सबसे पहले अपना और फिर समाज का अहित कर अपने गुणों का नाश कर देता है। जब तक अभिमान अंदर से नहीं निकाला गया तब तक श्रद्धा व भक्ति में आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने वाले व्यक्ति का हमेशा पतन होता है जिसके हमें शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि रावण को जब अपने बल व पराक्रम का अभिमान हो गया तो वह साधु संतों व सज्जन व्यक्तियों को तंग करके परेशान करने लगा जिससे अंत में उसका और उसके परिवार का पतन हो गया। अभिमानी पुरुष को कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिलती है। भगवान हमेशा निर्मल मन तथा अभिमान रहित व्यक्ति को ही अपनी कृपा देते हैं। रावण ने अभिमान के रहते हुए पाप और अत्याचार किए जिसके कारण वह और उसके परिवार का नाश हो गया। अभिमान होने के कारण भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है निर्मल मन के व्यक्ति को ही भगवान की प्राप्ति होती है, छल कपट वाले व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार नामक आंतरिक शत्रु है जो छिपकर आक्रमण करता है। हमें ज्ञान तक नहीं होता कि हम अहंकार के वशीभूत हैं। अहंकार प्रत्येक के मनुष्य में वर्तमान है। धनी मानी वृद्ध युवक बालक विज्ञान किसी न किसी प्रकार के अहंकार में डूबे हैं। अहम ही घमंड है, हमें किसी न किसी बात का मिथ्या गर्व बना है। धनी को अपने धन का, स्त्री को अपने रूप का, यौवन का, सौंदर्य का अहंकार है। राजा और जागीरदार अपने ऐश्वर्य के अहंकार में किसी दूसरे की नहीं सोचते। पूंजीपति अपने पूंजी के गर्व में गरीब मजदूरों के अधिकारों को नहीं देना चाहते। संसार के अनेक संघर्षों का कारण यही है, अभिमान मनुष्य के पतन का मूल है। संसार में सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है, उसके सिवा कोई दूसरा सत्य इस संसार में नहीं है। संत कबीर दास ने कहा है कि माया महाठगनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे साधारण से लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक बच नहीं सकते। जीवन पर्यंत हम अभिमान में फंसे रहते हैं, अपने बराबर किसी को नहीं मानते, अपनी बुद्धि को सबसे अधिक महत्व प्रदान करते हैं, अपनी चीज बाल बच्चे विचार दृष्टिकोण पर अभिमान करते हैं। इसी वृथा के अहंकार के कारण हम जीवन में और बड़ी बातें संपन्न नहीं कर पाते। जिन्हें अपने ज्ञान पर गर्व होकर घमंड होता है, याद रखें, घमंड कोई भी व्यक्ति करे वह उसके व्यक्तित्व को पतन की ओर ले जाता है। जिसने भी घमंड किया उसने अपने हाथों अपना नाश किया। घमंड भी माया का एक नकारात्मक प्रकार है। माया की लपेट में न आने के लिए व्यक्ति को नकारात्मक गुणों के बजाय सकारात्मक गुणों को स्थान देना चाहिए। यह मेरा घर है, यह उसका घर है, यही तो माया है। यही माया हमें ब्रह्मा तक पहुंचने, उन्हें पहचानने में रुकावट बनती है। जब तक हम अपनी धारणा नहीं बदलेंगे तब तक अहम ब्रह्मास्मि का बोध हमें नहीं हो पाएगा, और जिस दिन अहम ब्रह्मास्मि का बोध हमें हो गया उस दिन सारी माया मिट जाएगी और हम संसार के बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अभिमान और अहंकार माया है जिसके वशीभूत होकर जीव नष्ट हो जाता है। यही माया मानव मन में शारीरिक सुख की तीव्र कामना पैदा करती है। इसी सुख को पाने के लिए और मार्ग में आने वाले विघ्नों को हटाने के लिए मनुष्य पाप कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। ये अभिमान मनुष्य को नष्ट कर देता है, जो भी घमंड उनके पतन का कारण बन जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।